उसकी हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। और लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अब एक रुपए की जगह 100 रुपए में ओपीडी का पर्चा बनवाना पड़ेगा। यही नहीं, अब दवाई भी बाहर से खरीदनी पड़ेगी। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता निखिल शर्मा। सुनिए, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट का विलय पहले ही हो चुका था और अब ये तय कर लिया गया है कि जो हॉस्पिटल था उसमें 1 रुपए का जो पर्चा बनता था वो अब 100 रुपए का बनेगा राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के तर्ज पर। इसके साथ ही जो सरकारी दवाइयां उपलब्ध कराई जाती थी अस्पताल की तरफ से, अब वो भी नहीं उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके लिए बाकायदे जो हॉस्पिटल के अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, उससे लोगों को खरीदना होगा। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया कि जो हॉस्पिटल था पहले उसे इंस्टीट्यूट में मर्ज कर दिया गया ताकि इस एरिया को और बढ़ाया जा सके। यहाँ बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उनको जो है वो मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पतालों की सुविधा मिल सके। लिहाजा अब जो है वो हॉस्पिटल को इंस्टीट्यूट में पूरी तरह से मर्ज कर दिया गया है और अब जो 1 रुपए का पर्चा बनता था और फ्री में दवाइयां मिलती थी वो नहीं होगा, 100 रुपए का पर्चा बनेगा और दवाइयां लोगों को बाहर या अंदर के मेडिकल स्टोर से खरीदनी होगी। लखनऊ से विडल सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और उन्नाव से बड़ी खबर है जहां पर बकरीद को लेकर जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। डीएमएसपी ने ईदगाह जामा मस्जिद का निरीक्षण किया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठकर